Very good morning, everyone. My name is Aditi Gupta, and most welcome to an academy with this session, जहाँ पर हम English vocabulary के कुछ important words लेकर के आए हैं और आज हम idioms की series शुरू करने वाले हैं. तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. और कैसे हैं आप लोग, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. यहाँ पर मेरे साथ कौन कौन है, मैं स्टार्टिंग से देखती हूँ. प्रेम प्रकाश, पूर्वी, मनीष, शिवपूजन और मिस उनाम और हाँ इतने सारे बच्चे, कोई नया नाम मुझे दिख नहीं रहा. बात बढ़ रही सच्चिदानंदन. और गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन. आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या है. एक बार सेशन को शेयर कर दो बिकॉज क्या अभी काफी कम लोगों को पता है. आई एम गोना शेयर इट एंड प्लीज गाइस शेयर इट एज सून एज पॉसिबल. और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना idioms की सीरीज. बट उससे पहले आपको बता दूं कल जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उनको कैसे रिप्लाई करेंगे. हियर वी गो. ओके लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अल्टीमेट गवर्नमेंट एग्जाम ऑफर जो कि है आपका 14395 में. आपको यहाँ पर मिलता है SSC, बैंक, RBI, रेलवे का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एंड नाउ अ नेवर चांस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स. और यहाँ पर आपको अभी सब्सक्राइब करना है. राइट, हे गाइस जुड़िए जल्दी से मेरे साथ. एंड दिस इज योर SSC एग्जाम सब्सक्रिप्शन प्लान. अगर आपको प्लान दिखता है तो काफी चीजें क्लियर हो जाती है. कोई भी प्लान आप चाहें तो ले सकते हैं. यहाँ पर अभी डिस्काउंट चल रहा है और आपको यूज करना है मेरा कोड आरती मैम, तो इससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा. दिस इज समथिंग अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट दैट इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर SSC एग्जाम्स. और ये आपको मिलेगा यहाँ पर स्कॉलरशिप पूल और डेफिनेटली यू वुड एंजॉय इट क्योंकि ये कम्प्लीटली गेमिफाइड है. यहाँ पर भी आरती मैम कोड आपको यूज करना है. ऑलराइट गाइस कैसे हैं आप लोग, अवनीश, आशीष, विकास, हेलो हेलो एवरीवन. सफलता बैच और संकल्प बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं और उनमें जरूर इनरोल कीजिए. चलिए कल वाला ये आपका क्वेश्चन था, इसका कौन आंसर बताएगा. ये है आपका yesterday's था आपका वो सीरीज है. तो दो क्वेश्चन बचे थे हमारे, कौन बताएगा. एम्ब्रेस जो है इसको ऑपोजिट बताना है. आपके पास ऑप्शंस हैं डिसोबे, कॉन्ट्रडिक्ट, रिजेक्ट एंड ऑब्सक्योर. जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन सही रहता है. हाँ लोकेश कह रहे हैं डेली होती है. बिल्कुल डेली होती है ये क्लास, बिल्कुल डेली होती है और आपको बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने को मिलते हैं. तो एम्ब्रेस बताइए क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा. SSC टेक्नो कह रहे हैं हाँ. पूर्वी कह रही है एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है. उसने ऑप्शन बता दिया सी, तो कोई मतलब नहीं बताएगा क्या. हाँ काफी सारे बच्चे सी बता रहे हैं. सी ठीक है. एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन में लेना. एवरीबडी नोज आलिंगन टू हग है ना, टू एम्ब्रेस समथिंग. सो ये तो एम्ब्रेस का मतलब हो गया. टू एम्ब्रेस समथिंग मतलब आलिंगन में लेना, टू हग, टू अडॉप्ट है ना. अब दूसरी चीज है कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा. ऑब्वियसली रिजेक्ट, जिसने भी सी ऑप्शन बताया है उन्होंने सही बताया. ये हो जाएगा आपका रिजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कल के लिए था. दो क्वेश्चंस मैं रोज देती हूँ आपको करने के लिए. कल का हमारा क्वेश्चन क्या था. हाँ बताना था आपको सबवर्जन का ऑपोजिट क्या है. ये जो वर्ड है सबवर्जन, इसका ऑपोजिट क्या है. जल्दी से बताइए. सबवर्जन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ. इसका मतलब होता है विनाश. विनाश का मतलब तो आपको पता है डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन ठीक है. तो इसका ऑपोजिट क्या लगेगा आपको, सबवर्जन. किसी का वर्जन जो सब हो गया तो मतलब वो विनाश हो गया उसका है ना. सारे वर्जन एक साथ ले लिए, समझ लो खत्म, विनाश. तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या लग रहा है. यहाँ पर कौन से ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं. और एक होता है विनाश, एक होता है कबूल करना, परमिशन देना, अनुमति देना. तो ये तो डिस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया कॉम्प्लायंस. कॉम्प्लायंस का मतलब होता है किसी की परमिट करना किसी को. तो डिसस्टेबलाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि ये सिमिलर है. क्लैरिटी भी नहीं होगा, सेनिटी भी नहीं होगा. कॉम्प्लायंस विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो आज हम फिर क्या पढ़ेंगे. ये तो दो क्वेश्चंस आपने बता दिए. हाँ एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो. सी के दोनों के ऑप्शन सी थे बस. त्रिपुरारी कह रहे हैं आपकी, त्रिपुरारी प्रजापति कह रहे हैं आपकी कौन सी क्लास होगी. सुनीता कह रहे हैं आप अच्छा नहीं पढ़ाते. अच्छा ठीक है. कॉम्प्लायंस का मतलब होता है हाँ टू परमिट समथिंग, टू परमिट. राइट चले नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आप जो है, अब हम आज का जो सेशन है वो idioms की सीरीज एक शुरू करने वाले हैं जिसको आपको भी करना है. तो पहला क्वेश्चन है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तुम लोग क्या करोगे, सेंटेंस को बनाओगे सो दैट यू कुड नो हाउ टू यूज देम. मैं भी बताऊंगी. अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है.
समथिंग दैट अपीयर्स बैड एट फर्स्ट बट एंड्स ऑफ हैविंग गुड रिजल्ट्स। मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब बेसिकली ये है कि कोई चीज पहले तो देखने में लगता है कि बहुत ही खराब है बट थोड़े दिनों बाद हमें उसका रिजल्ट पता चलता है तो हम उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। तो जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ होता है, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई फेल्ट स्लीपी बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई सॉ द सन इज राइजिंग आई फेल्ट दैट इट इज कंप्लीट वाज कंप्लीटली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, गेट इट। मैं सुबह उठा या उठी मेरे को स्लीपी फील हो रहा था, आई डिडंट फील गुड, बट जब जैसे ही मैंने देखा कि सूरज निकलने में इतना सुंदर लगता है, वो आई फेल्ट लाइक इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लगा कि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड आई कैन वर्क हार्ड। ओके, सो मैंने जो यूज किया है सेंटेंस में, क्या आप वैसे यूज कर सकते हो? अगर यूज कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। सच्चिदानंदन, मंजू, वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष कह रहे रोल नंबर 33 क्या हुआ आज? ऑलराइट, ब्रेकअप विद माय गर्लफ्रेंड इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मनीष ने अच्छा सेंटेंस बनाया। निहारिका कह रही है बाबू यहाँ क्या हो रहा है? बाबू यहाँ वोकैबुलरी चल रही है, बाबू को भी बुला के लेकर के आ जाओ। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समथिंग दैट अपीयर्स बैड, है ना। तो यहाँ पर ये पिक्चर देखेंगे, मैंने आपको सेंटेंसेस बता दिए हैं, बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सैंडविच शॉट ऑफ अ पिकनिक, अ सैंडविच शॉट ऑफ अ पिकनिक। मान लीजिए एग्जाम में कोई सेंटेंस आ गया कि whatever he speaks for someone else is a sandwich shot of a picnic. जो भी वो किसी के बारे में बोलता है वो हमेशा a sandwich shot of a picnic होता है। मतलब किसी को या तो मूर्ख बता रहा होता है या किसी को पागल बता रहा होता है। तो the language that you use, अब आप इसको ऐसे use कर सकते हैं, the language, right? हाँ, the language that you use is, the language that you use is a sandwich shot of picnic, ठीक है, a sandwich shot of a picnic। आगे जो है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज तुम यूज करते हो वो एक ह्यूमरस वे है, एक सटारिकल वे है, एक विनोदी तरीका है किसी को मूर्ख कहने का या किसी को पागल कहने का, है ना। तो क्या फ्रेज हमने यूज किया, a sandwich shot of a picnic। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अचल कह रहे हैं कैसे हो भाई, अरे क्या बात है अचल, काफी दिनों बाद आए तुम यहाँ पर। नेक्स्ट है, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, आशीष पूछ रहे हैं। वोकैबुलरी का मतलब शब्दावली होता है। जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ते हैं तब भी आप शब्द पढ़ रहे होते हैं। अब आप इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश के शब्द पढ़ रहे हैं, दैट इज हाउ इट इज। हाँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका क्या मतलब होता है, ये पिक्चर आपको क्या कह रही है, अ स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चीज बहुत ही क्लोज होती है, बहुत ही पास में होती है, तो हम क्या बोलते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो, है ना। जैसे आपको आप आपस में बातें कर रहे हो दो लोग, अच्छा इस पर सेंटेंसेस आप लोग भी बनाओ, तो आप क्या कह सकते हो कि ही इज सिटिंग एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसा बंदा है एट स्टोन्स थ्रो, जो बहुत ही ज्यादा पास में बैठा हुआ है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन द एग्जामिनेशन हॉल ही वॉज सिटिंग एट अ स्टोन्स थ्रो बट ही डिडंट हेल्प मी आउट। ऐसे कह सकते हैं ना कि वो एग्जाम सेक्शन में मेरे पास ही बैठा हुआ था बट उसने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज सिटिंग एट अ स्टोन्स थ्रो, है ना। इस तरीके से इसको यूज करेंगे। देखो मैं बहुत ही क्लियरली यूज बता रही हूँ तो आप भी उसी तरीके से लिखो। ऑलराइट, क्या कह रहे हैं, वोकैबुलरी का मतलब बता तो दिया बेटा। नोएडा इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम दिल्ली, वेरी नाइस शिवम, मैं आया बहुत ही ह्यूमैनिटी, कह रहे हैं मीनिंग होता है वोकैब, ओके, शब्दावली होता है वोकैब। पूर्वी कह रहे हैं शी लिव्स जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द बीच, ओके। अनुभव कह रहे हैं बार्बर शॉप इज एज नियर एज अ स्टोन्स थ्रो, क्या समथिंग इज वेरी क्लोज और नियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिख रही है तो मैं इसके लिए आपको एक और नया सा वर्ड बताती हूँ। इसको जब कोई चुपके से किसी की बात सुनता है ना तो उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं eavesdropper, right? So यहाँ eavesdropping करना अच्छी बात तो नहीं होती है, जाहिर सी बात है। So ये eavesdropper है। अब इसके लिए idiom हमारा क्या आया, all ears, कौन सा idiom आया, all ears। जैसे मैंने कहा कि I was all ears, जैसे आप लोग करते हो कि किसी की बात पे बहुत ध्यान देते हो सकता है कि वो बातें आपकी हो, तो ऑल ईयर्स का क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि he was giving all ears to my conversation, he was giving
ऑल ईयर्स टू माई कॉन्वर्सेशन, ऑल ईयर्स, ईयर ईयर ईयर्स टू माई कॉन्वर्सेशन, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है, पूरे ध्यान से, ईवस्ड्रॉपिंग। हाँ मनीष, और ये जो लोग होते हैं ना इनको बोलते हैं ईवस्ड्रॉपर, बड़ा अच्छा सा वर्ड है ना, आप लोग इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। सो ऑल ईयर्स का क्या मतलब होता है, टू बी ईगरली वेटिंग टू हियर अबाउट समथिंग, मतलब ध्यान से किसी बात को सुनने के लिए, ध्यान से किसी की किसी बात को सुनना, किसी बात को सुनने के लिए इंतजार करना, किसी बात को सुनने के लिए इंतजार करना, है ना, इस तरीके से खड़े रहना, मतलब टू बी एन ईवस्ड्रॉपर। ऑल ईयर्स का मतलब है जब आप कोई ईवस्ड्रॉपर बन जाओ, समझ रहे हो, बढ़िया है। मैम मैं हूँ ह्यूमैनिटी पुरानी क्लास वाला, ओके आई गेट इट, आई गेट इट। रोशन कह रहे हैं मैम इज जस्ट ट्राइंग टू पुट हर ऑल हर इयर्स टू लिसन अबाउट हर रिजल्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देख रहा होगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, मतलब वैसे तो ये वॉटर डाल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब है एड फ्यूल टू द फायर। इस इडियम का मतलब क्या है कि आग में घी डालना, आग में घी डालना, मतलब अगर आप ये कहते हैं कि I am not trying to add fuel to the fire, मतलब मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। जैसे कि दो लोग बातें कर रहे हैं और दोनों जो है गुस्से में हैं, और आप तीसरे वहां पर जाते हो और कहते हो हाँ you should be angry because the person did bad thing, कुछ भी ऐसा जो लगे कि आप आगे वाले को instigate कर रहे हो, भड़का रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, add fuel to the fire। आप अपने कॉन्वर्सेशन में भी बोल सकते हो why are you adding fuel to the fire, एग्जाम के लिए तो आपको 2 marks मिलेंगे ही। क्या होता है इसका मतलब, when someone does something to make a bad situation worse, जब कोई भी पर्सन किसी सिचुएशन को खराब कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं आग में घी डालना। आई होप सबको, हाँ भड़काना, वालिया साहब कह रहे हैं। त्रिपुरारी, रोल नंबर 33 क्या है भाई, आई वॉज फेल माई फ्रेंड्स टू एट फ्यूल। अच्छा, आई वॉज फेल क्या होता, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ आई गॉट अनसक्सेसफुल to add fuel in the fire in between the conversation of my friend. Okay, अब इसका मतलब है add insult to injury. Add insult to injury मतलब क्या है कि कोई भी situation जो है उसको और भी ज्यादा खराब कर देना, मतलब कहने का मतलब है कि इसको आप हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि किसी भी सिचुएशन को और खराब कर देना, कोड़ में खाज, एग्जैक्टली कोड़ में खाज हम लोग बोलते हैं आपसे, है ना। तो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। जैसे कि अभी हाल में ही पता चला कि हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया, मतलब हम फेल हो गए, फिर अचानक से पता चला कि कोरोना का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो हमारे साथ क्या हुआ कि यू नो द नेचर इज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, हमारे साथ प्रकृति जो है वो खिलवाड़ कर रही है। तो कुल मिला के क्या करना, सिचुएशन को और भी, स्थिति को खराब, स्थिति को, स्थिति सही लिखा हुआ ना, को खराब से भी खराब करना, राइट, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। So, कौन बता रहा है, टू एड इंसल्ट टू इंजरी द पेनाल्टी वॉज अवॉर्डेड टू द अदर साइड, पूर्वी क्या बात है, वेरी नाइस। शिवम पांडे, अफोर्ड टू फ्री टू एड इंसल्ट टू इंजरी। सुचि और अरविंद को जानते हो क्या, शरारती कह रहे, बिल्कुल जानती हूँ। सुचि और अरविंद के बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं था, और अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें शायद होगा। अच्छा, एट अ क्रॉस रोड्स, देखो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसीलिए अपना मतलब गिव मी ऑल इयर्स, ध्यान से मेरी बात सुनो। एट अ क्रॉस रोड्स का मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा आपकी लाइफ का, जब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं यू नीड टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, बट एट द एग्जैक्ट टाइम यू नीड टू मेक अ डिसीजन दैट वेदर यू वॉन्ट टू बी इन एन अरेंज मैरिज और इन लव और अ लव मैरिज, सो यू नीड टू डिसाइड। तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा कि आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है, सो उसको क्या बोलेंगे, एट अ क्रॉस रोड्स। तो आप अपने फ्रेंड्स को उसको ये कैसे डिफाइन करेंगे कि I am at a crossroads of my life, है ना, आप ऐसे कह सकते हैं आई एम एट क्रॉस रोड्स इन माई लाइफ, अपनी लाइफ में मैं एक ऐसे पॉइंट पर हूं कि आई एम नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन,
राइट, तो उसको क्या बोलेंगे, एट अ क्रॉस रोड्स, जब आपको कोई महत्वपूर्ण, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो आपको वहां पर कौन सा फ्रेज यूज करना है, एट अ क्रॉस रोड्स, यूज ही नहीं करना है, बल एग्जाम में भी आएगा। अजय चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुमसे मांगूंगी मैं। द न्यू मैनेजर्स वर एट द क्रॉस रोड्स, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ इसके लिए बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अच्छा इस क्वेश्चन से पहले आपसे एक दो क्वेश्चन हो जाए बच्चों, पूछ लू क्वेश्चन पूछ लू बच्चों से, चलो जी बताओ। अच्छा अभी जो मैंने पढ़ाया है कौन कह रहा है कि गुड मॉर्निंग, चलो बताओ कि अभी जो मैंने बताया एट अ क्रॉस रोड्स उसका क्या मतलब था, आप अभी सारे बता देंगे। हाँ वालिया बिल्कुल लाइव क्लास है अभी, कह रही है सचल कह, अचल कह रहे हैं पूछ लो, ठीक है अभी मैं पूछूंगी, पहले क्वेश्चन हो जाए। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस इसका क्या मतलब है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस इसको हिंदी में बोलते हैं आगे कुआं, आगे कुआं पीछे खाई, राइट, आगे कुआं पीछे खाई। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर बोथ ऑप्शंस आर बैड, मतलब जब भी आप कभी सोचें लाइफ में कि हम इस रास्ते से निकल जाएं, तो वो रास्ता ऐसी जगह से होकर जाएगा जहां पर आपको और भी चीजें बेकार मिलेंगे। सो आप कह सकते हैं कि आई फील आई एम इन बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस बिकॉज आई थिंक इफ आई गो होम आई विल गेट मैरिड, इफ आई स्टे हियर आई विल गेट इन्फेक्टेड बाई COVID-19। सो दैट मीन्स कि अगर आप घर जाते हैं तो मे बी यू गेट मैरिड, और अगर यहाँ रहते हैं तो यू माइट गेट इन्फेक्टेड बाई द COVID-19। सो वट यू फील, यू आर बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, इसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन ये कि आगे कुआं पीछे खाई, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर बोथ ऑप्शन आर बैड, गेट इट, समझ आया, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ओके शिवम कह रहे हैं टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, सचिन आरती नाम कुछ नहीं आता, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं सीख लो। इडियम्स को एज इट इज यूज करना होता है या फिर टेंस के हिसाब से, वालिया देखो कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनको आप एज इट इज यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ इडियम्स में क्या होता है स्टार्टिंग में वर्ब होती है, और जब वर्ब होगी तो जाहिर सी बात है आप सेंटेंस में उसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, है ना, तो बार्किंग अप में बार्क जो है वो एक वर्ब है, तो मान लीजिए आपको इसको सेंटेंस में लेकर के आना है तो आपको वर्ब के अकॉर्डिंग लेकर के आना पड़ेगा। वैसे इसका मतलब होता है टू बी रॉन्ग और मिसगाइडेड अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, मतलब किसी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है किसी गलत आदमी पर आप गुस्सा करते हैं, है ना, गलत डिसीजन लेना, बेसिकली किसी के द्वारा गलत डिसीजन लिया जाना, तो ये होता है इसका मतलब किसी के द्वारा गलत निर्णय, किसी के द्वारा भ्रम फैलाया जाना बेसिकली। और अब देखो यहाँ पर अगर सेंटेंस में हमने इसको यूज किया तो हम इसको जैसे मान लीजिए हमें पास्ट में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी ही बार्क्ड अप द रॉन्ग ट्री, तो इस तरीके से जिसमें जिसमें स्टार्टिंग में वर्ब होती है, जिस जिस इडियम में स्टार्टिंग में वर्ब्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है हम उनको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब मान लो हमें बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का यूज इसमें करना होता तो हम क्या लिखते, ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री तो सही हो जाता, लेकिन अगर हम ये लिखते कि ही बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री तो गलत हो जाता। तो व्हाट आई वांट टू से कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब के जो आपका वर्ब का जो टेंस है, वर्ब का जो फॉर्म है उसको चेंज कर देना, गेट इट। हाँ वैसे नाम बड़े सही रखते हैं अपनी आईडी का, किसने रखा नाम शिवम, गिव एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज दिस इडियम्स इन रियल लाइफ, हाँ वही तो मैं बता रही हूँ कि आप इनको रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, है ना, जब भी कभी किसी कोई लगे कि आपको कोई पागल बना रहा है या आप किसी का गलत यूज कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, है ना, गलत घोड़े पर पैसे लगाना, कुल मिला के गलत घोड़े पर पैसे लगाना आप इसको यूज कर सकते हैं, ही बार्क्ड अप द रॉन्ग ट्री, आई एम नॉट गोइंग टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, तो मैं जो है गलत घोड़े पर पैसे नहीं लगाऊंगी, इस तरीके से। हाँ नेक्स्ट आपका आइडियम है बीट अबाउट द बुश, अब जो बच्चे मेरे से यूज के लिए पूछ रहे थे उनको फिर से मैं बता दूं कि ये बीट जो है ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सीधी बात ना कहना, है ना, सीधी बात ना कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियम है, आप अपने कॉन्वर्सेशन में बड़े आराम से यूज कर सकते हैं सीधी बात ना कहना।
कुल मिला के घुमा फिरा की बात करना, घुमा फिरा की बात करते हैं ना सर्क्यूमलोक्यूशन वे में, तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। अब जब इसको सेंटेंस में लाएंगे कभी तो ऐसे बोलेंगे कि ही इज बीटिंग अबाउट द बुश, ही इज बीटिंग अबाउट द बुश। अब ये बीटिंग इसीलिए बोला ना मैंने कि यहाँ पर वो जो लिखा हुआ है ना बीट, वो तो एक वर्ब है। हाँ, तो जैसे ये दोनों कॉन्वर्सेशन है कर रहे हैं दूसरे से, और ये बंदा क्या कर रहा है, हमेशा ऐसी बात कर रहा है जब भी ये कुछ पूछती है सिंसियर तरीके से, तो ये उसको घुमा फिरा के पूछता है। जब भी वो पूछती है कि बताओ कब शादी करोगे, तो वो 50 रीजन दे सकता है कि नो आई एम नॉट एबल टू मैरी यू राइट नाउ बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई पोजिशन इन दिस ऑफिस, सो आई थिंक या वी विल गेट मैरिड, ऐसे करके अगर बोलते हैं तो क्या कर रहा है ये पर्सन, ही इज कम्प्लीटली बीटिंग अबाउट द बुश। Alright, to talk about unimportant things because you are avoiding a particular topic, क्योंकि आप unimportant चीजों की बात कर रहे हो, आपको जो normal topic है उस पर बात नहीं करना। Alright, beat को, oh my god, अच्छा तुम तो हद करते हो। He is always beating about the bush, शिवम कह रहे हैं, okay, he beats about the bush in front of everyone। परा बोल रही है सही है, वालिया कह रहे हैं बातों को घुमाना exactly, मनीष को हंसी आ रही है, नाम बताओ कब शादी करोगे ह्यूमैनिटी कह रहे हैं, कैरीज डेवल आपका पहला क्लास है ओके। तो यहाँ पर हमारे 10 वर्ड्स तो हो चुके हैं, बल्कि 10 से ज्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर एक दो वर्ड्स और पढ़ेंगे। और हाँ, आपसे मैंने कुछ पूछा नहीं है, तो अभी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बताएंगे एट अ स्टोन्स थ्रो, जो अभी हमने पढ़ा उसका क्या मतलब, एट अ स्टोन्स थ्रो राइट, उसका क्या मतलब होगा जल्दी से बताइए, और सेशन को लाइक शेयर करते रहिए बच्चों, एट अ स्टोन्स थ्रो जल्दी से कौन बताएगा, वेरी नाइस मंजू ने बताया, शिवम ने बताया, मंजू काफी कंसिस्टेंट है आई कैन सी, ह्यूमैनिटी मैम को अच्छा बारात में ले जाएगा ओके, कुछ दूरी पर एग्जैक्टली मनीष तुम अभी नहीं आए हो, समथिंग दैट इज वेरी क्लोज। ऑलराइट, सो बेटर लेट देन नेवर, ये एक ऐसा आइडियम है जिसका मतलब है कि इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट, जैसे कह रहे हैं बच्चे कि मैं लेट आया हूँ, लेकिन कम से कम आए तो, कुल मिला के कोई बात नहीं, किसी कार्य में देरी होती है, एटलीस्ट यू डू इट, कम से कम तुमने किया तो कहने का मतलब है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग इट इज नथिंग बेटर देन बेटर लेट, है ना, इट इज बेटर लेट देन नेवर, मतलब इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल, है ना। तो इसकी हिंदी होगी कि देरी करना अच्छा है, देरी करना ना कार्य करने से अच्छा है, ना कार्य करने की अपेक्षा, तो मैंने काफी बड़ा लिख दिया लेकिन फिर भी ये लाउड एंड क्लियर है कि देरी करना अच्छा है ना कार्य करने की अपेक्षा, मतलब ये है कि आप देर से कार्य करो वो चलेगा लेकिन ना कार्य करो वो नहीं चलेगा। सो आई बिलीव दैट इट इज बेटर लेट देन नेवर, सेंटेंस में कैसे लेके आएंगे, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपने कहा आई बिलीव that it is better late than never, ये बात समझ आई, it is better than never, it is better late than never, मतलब किसी भी कार्य में देरी हो जाए बट उसे ना नहीं करना है, करना जरूर है आगे। Alright, so get it, हाँ ये शुद्ध हिंदी तो है बट मैं शुद्ध इंग्लिश और शुद्ध हिंदी दोनों से मतलब क्या कहती हूँ वो बना के रखती हूँ बैलेंस। एयरफोर्स वाई ग्रुप का क्लास कब से होगा, बहुत ही जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली है। ऑलराइट, अब ये जो है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, और इसको कल मैं पूछूंगी बल्कि, तो आज मैं यहाँ पर आपको दोनों दिखाई दे रही हूँ, कौन से मैं पूछूंगी, एक तो ये आपका बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ये स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि कल मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगी, ये कल के लिए है आपका, और ये वाला जो है बाइट द बुलेट इसको मैं कल पूछूंगी, तो ये दो क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे कल। ऑलराइट, अरे तीसरा भी था, काफी सारे हैं। ओके गाइस, तो दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कल, ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल आरती गुप्ता के नाम से, मेरे को फॉलो कर लीजिए फटाफट, और वहां पर हम जल्दी ही रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आजकल नहीं चल रही है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट मैम, कोई और सेंटेंस बनाना, किस पर वाले साहब, किस पर सेंटेंस बनाना है, जाते जाते आपका सेंटेंस बना देती हूँ मैम, मेरे भी सेंटेंसेस पढ़ो। हाँ बेटा, आज आपके सेंटेंसेस छूटते हैं,
राइट, सेंटेंस किस पर बनाऊं? ये वाला लास्ट था, बेटर लेट देन नेवर पर, इस पर सेंटेंस बनाना है। हाँ बना लो, मतलब मैंने कहा कि मतलब देरी करना अच्छा है ना करने की अपेक्षा, तो आई थिंक यू शुड बेटर लेट देन नेवर, दूसरा सेंटेंस बन गया। ओके गाइस, मिलते हैं हम कब।